बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो हम जो देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वीडियो है बेसिकली पाकिस्तान में जो इमरान खान है उन्होंने जो है वो शादी कर लिया है और ये एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। तो मतलब कि जो इमरान खान है उनकी जो शादी है वो टूट चुकी है। तो मतलब कि ये सुनने में आ रहा है कि उनकी थर्ड वाइफ है, उन्होंने उनको छोड़ दिया है। अब पता नहीं ये क्या न्यूज़ है और कहाँ तक सच है ये मुझे भी नहीं पता। तो आज इस वीडियो को देखकर हमें आइडिया होगा और फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो मैंने काफ़ी सुना भी है कि इसके ऊपर बात भी हो रही है और इसके अलावा एक सियालकोट का इंसिडेंट है उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो पता नहीं सियालकोट में भी और उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं और इसमें पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है तीसरी वाइफ के बारे में, मतलब कि वो जो सेपरेशन की बातें चल रही हैं या हो चुकी है, वो हम देखते हैं वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। आज की ताज़ा खबर, बिल्कुल जी, आज की ताज़ा खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो आजकल जो यानी बेगम, मौजूदा बेगम जो हैं, जिसे कि कहा जाता है पीरनी कहा जाता है या बुशरा बीबी, वो जी बनी गाला छोड़कर चली गई है। वो बुशरा इमरान खान हुई, वो तो बेसिकली एक छोटा सा पीरियड था, पैसे उसने कमाने थे, आगे बैठ गई। अब उसको पता है इमरान खान जा रहा है, ये अब छोड़ के चक्करों में तो ये बनी गाला छोड़ के भाग गई है, लाहौर बैठी हुई है। जो पीरनी साहिबा है उन्होंने बनी गाला छोड़ दिया या उनसे छोड़वाया गया, वो चली गई वहां से। अब तुम खड़े हुए कह रहे हो हाँ 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 लोग तो ठीक था, अब क्या तुम्हें तो 100 जूते मारने चाहिए। अब जो तुम करेक्टिव मेजर्स ले रहे हो इस स्टेज पे आके। हमने ये भी सुना है कि कुछ पैसों वैसों का भी चक्कर था, कुछ खान साहब को शायद जो कमीशन मिलना चाहिए बुशरा बीबी के पहले हस्बैंड के बिजनेस जो करवा रहे खान साहब, जिसमें वो धड़ाधड़ जो है वो पीरनी साहिबा जो है वो उनको हर तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट दिलवा रही थी, वो पैसों में शायद कुछ गड़बड़ हो, घोटाला हो गया। अब जो लोग, मैं तो हैरान हो गया हूँ, मिनिस्टर्स पे खत लिख रहे हैं। तकरीबन मेरा ख्याल 3-3.5 साल शायद ये चली है। वहाँ से वो अब लाहौर में जाके बैठ गई है अपनी किसी सहेली के पास। इट इज शेमफुल, शेमफुल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दो शादियों के फेल हो जाने के बाद अब तीसरी शादी में भी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इमरान खान ने अपनी तीसरी बीवी बुशरा बीबी को अपने घर से निकाल दिया है, लेकिन कुछ खबरों के अनुसार बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़कर चली गई है। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तीसरी बीवी अपनी दोस्त के घर पर रह रही है। याद रहे कि पहले भी इमरान खान का 2 बार तलाक हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बुशरा बीबी की करप्शन सबके सामने आ गई थी। पहले तो ये छुपी हुई थी, लेकिन अब इसकी पोल सबके सामने खुल गई, क्योंकि अब डीजी ISI को तब्दील कर दिया गया था। लेकिन कुछ खबरों के अनुसार इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, इसीलिए बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़कर चली गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मूड तो खैर खराब था, लेकिन अब बेहतर हो गया है क्योंकि न्यूज़ ऐसी आई है। और जी अब हम आपको बताते हैं कि आज की ताज़ा खबर, बिल्कुल जी, आज की ताज़ा खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो आजकल जो यानी बेगम, मौजूदा बेगम जो हैं, जिसे कि कहा जाता है पीरनी कहा जाता है या बुशरा बीबी, वो जी बनी गाला छोड़कर चली गई हैं। और किसी ने ये जो है पिक्चर भी बना दी है कि जैसे वो अपना सामान लेकर, बिल्कुल जी, वो अपना सामान लेकर जो है लाहौर के लिए जा चुकी हैं। और वैसे तो खान साहब का शादियों में रिकॉर्ड आप जानते ही हैं कि काफी खराब रहा है। उनकी जो बीवी हैं बुशरा बीबी, और जिन्हें पीरनी भी कहा जाता है, वो जी अपना सामान लेके चली गई हैं और उसके लिए कई तरह की बातें हो रही हैं। इससे पहले भी खान साहब 2 शादियां और फरमा चुके हैं, जिसमें कि जमाइमा गोल्डस्मिथ से भी थी, उसके बाद रेहाम खान से भी उनकी शादी हुई थी और वो भी आप सब जानते हैं। ये बुशरा बीबी के साथ शादी की पिक्चर है और ये रेहाम खान के साथ है पिक्चर। उसके अलावा ये जाहिर है कि जो पहली शादी उनकी थी जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ, उसमें उस शादी से उनके 2 बेटे भी हैं। और हम साथ साथ आपको ये पिक्चर भी दिखा रहे हैं। बेटे तो 2 हैं, लेकिन ये बीच में जो एक लड़की नजर आ रही है, ये भी वैसे खान साहब की ही बेटी है। ये और बात है कि खान साहब ने अभी तक इसको जो है वो सारी दुनिया के सामने माना नहीं है, मगर अब सारी दुनिया मान चुकी है, खान साहब माने या ना माने। ये तो अपनी औरत को बेच के, ये तो मतलब ये तुम किधर फंस रहे हो, ये खबर माने का सब कुछ बताया, लेकिन खान साहब ने किसी की सुननी होती। अब वो सारे के सारे, अच्छा बाय द वे मैं उनका क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि बुशरा बाने का ही थी वो, बुशरा इमरान खान हुई वो तो बेसिकली एक छोटा सा पीरियड था, पैसे उसने कमाने थे, आगे बैठ गई। अब उसको पता है इमरान खान जा रहा है, ये अब छोड़ के चक्करों में, तो ये बनी गाला छोड़ के भाग गई है, लाहौर बैठी हुई है। इसकी सहेली कोई फरा गोगी इस तरह की कोई, इन लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं ना। तो एनीवे, तो ये जो अब वो बनी गाला से इमरान खान से लड़के लाहौर गई हुई है। वजह इसकी ये बताई जा रही है कि खान साहब ने अब कन्फ्रंट किया कि तुम करप्ट। उसकी वजह यह है कि पहले DG ISI जो थे वो इनकी करप्शन और मानेका वगैरह की करप्शन वगैरह खान साहब को उस तरह से बताया नहीं करते थे। अगेन ये गॉसिप्स हैं, अगेन फर्ड साहब पे जो इन्फॉर्मेशन, जब आप ऑफिशियल बात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो फिर यही होगा। तो जो गपशप है सोशल मीडिया की, उस पर बात कर रहा हूं कि वो बताया नहीं करते थे। अब वहां पे कैदा चेंज हो गई, स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, नए DG आ गए हैं SI के। तो ये जो मानेकाओं की जो डकैतियां और लूटमार की कहानियां हैं रियल एस्टेट से मुतलिक, जिसमें खुद बुशरा इन्वॉल्व है और उसकी सहेलियां, वो जो करप्शन सारी रियल एस्टेट की निकाल के अब रखी है खान साहब को, तो अब खान साहब की आंखें खुली हैं। तो खान साहब ने कन्फ्रंट किया बुशरा को कि तुमने ये 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 करप्शन किया है, उस पर इनका झगड़ा हुआ है। वहां से वो अब लाहौर में जाके बैठ गई है अपनी किसी सहेली के पास, और खान साहब के पास बताया जा रहा है कि बनी गाला में वापस अब उनकी बहनें आ गई हैं, जाहिर है। और उसके जो पिंको के जो वो जो रखे हुए मुलाजिम वगैरह थे, उनको निकाल के अब वो सुना के सफाई वगैरह। लेकिन अब क्या है, अब इन बातों का कोई फायदा है? अब तो तुम्हारा जो बेड़ा गर्क हो कर गई है वो, अब तुम खड़े हुए कह रहे हो कि हाँ लोग तो ठीक था। अब क्या, तुम्हें तो 100 जूते मारने चाहिए अब जो तुम करेक्टिव मेजर्स ले रहे हो इस स्टेज पे आके। मानिका साहब से डाइवोर्स दिलवा कर और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मैडम पीरनी के नाम से उनको जाना जाता है, उनसे शादी की। और तकरीबन मेरा ख्याल 3-3.5 साल शायद ये चली है। और कहा उनको ये गया था बेसिकली कि आप अगर इनसे शादी करेंगे तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। खैर एनीवे, मतलब क्या हो सकता है, हर किसी का अपना अपना बिलीव करने का लेवल है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद जब पीरनी साहिबा आई बनी गाला में, जो गुज़िश्ता रात ये खबर आई, और मुझे तकरीबन 10:30 या 11 बजे मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ एक जर्नलिस्ट दोस्त का कि जो पीरनी साहिबा है उन्होंने बनी गाला छोड़ दिया या उनसे छोड़वाया गया, वो चली गई वहाँ से। मैंने कहा सही है, ओके फाइन, क्योंकि ये चीज़ होनी थी। और अक्टूबर 2021 में आई वॉज इन कराची और कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, बल्कि एक लंच पे मैं इन्वाइटेड था। तो वहाँ पे मुझे एक आदमी मौजूद थे और उन्होंने मुझे कहा कि जी बुशरा बीबी जाने वाली है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर किसी और को आना होगा इसलिए। खैर उन्होंने उनका भी नाम लिया कि जिसने आना है उसका भी नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता खामखा की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से। तो मैंने कहा अब कहते हैं कि जी खान साहब आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं और उसके बाद जो है उन्होंने आना है। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि ये खबर उस वक्त थी, लेकिन क्योंकि कंफर्म सोर्सेज नहीं थे, वो भी जो बंदा बता रहा था वो भी खैर काफ़ी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द और इनके जो क्लोज लोग हैं उनके साथ उनका उठना बैठना और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन क्योंकि बहुत सारी खबरें आती है, ज़रूरी नहीं है कि हर खबर मतलब आप कहें और हर खबर के पीछे आप मतलब पढ़ना शुरू हो जाए। सेकंड चीज़ ये भी होती है कि क्योंकि फैमिली मैटर्स होते हैं लोगों के, तो हमें जो एज ए जर्नलिस्ट काम करना होता है वो हमारा कुछ और है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें इमरान खान जो हैं उनकी तीसरी शादी, मतलब इससे पहले तो उनकी 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ मैंने नोट की है कि ये 2 शादियां, मतलब कि एक शादी किसी की भी टिकती नहीं है, बहुत मुश्किल से टिकती है भाई। और मुझे लगता है कि शादी सिर्फ एक उसकी टिकती है जो गरीब होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, और मतलब वो भी मुश्किल से, वरना बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी जो है ना वो भी चस्के ले रहे होते हैं शादियों के, मतलब कि 3-4 शादियाँ, मतलब कि वो कहते हैं इसमें क्या गलत है। तो खैर शादियों का यहाँ पे मिमिक्री बन चुकी है, इस पर अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से भी एक वीडियो बना लूँगी जो पर्सनल मैं अपनी आवाज़ में अपना ओपिनियन उसमें मतलब जो है मैं उसमें शेयर कर सकती हूँ आपसे। मेरे पास बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए और शेयर करने के लिए, लाइक 3 शादियाँ और ये 2 शादियाँ, बड़ा मजाक बन चुका है इसका। तो एनीवेज जो मेन चीज़ है कि बड़ी बात है कि इमरान खान की अगर हम बात करें तो इमरान खान जो कर रहे हैं, लाइक इमरान खान ने पहले शादी की जमाइमा से, तो वो बहुत अच्छी एक फ़ीमेल थी और उनके मतलब कि चलो वो अंग्रेज़ थी जो भी थी, वो अलग मज़हब से थी, लेकिन वो एक रिस्पेक्टेबल फ़ीमेल थी। उन्होंने काफ़ी अरसा इमरान खान के साथ गुजारा। अब समझ नहीं आता कि इमरान खान के साथ 3 शादियाँ हो चुकी हैं, अब तक उनके साथ कोई बीवी क्यों नहीं टिक पाई। अब यहाँ तो इसमें 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो हो सकती है इमरान खान की जो मेन मसला है कि वो या तो आदमी अच्छा नहीं होता या औरत अच्छी नहीं होती है, तो अगर तीनों ही नहीं उसके साथ टिक पाई तो इसका मतलब यही है कि यकीनन जो मेल है उसमें ही कोई मिस्टेक है, तभी वो फीमेल जो है वो उसको बेयर नहीं कर पा रही है। अब वो बेयर क्यों नहीं कर पा रही, उसका एटीट्यूड, बिहेवियर या फिर लॉज ऑफ थिंग्स जो कि हम कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ में होती हैं। एनीवेज हम बात कर रहे हैं इमरान खान की डाइवोर्स, मतलब डाइवोर्स तो खैर नहीं हुआ लेकिन वो छोड़ के जा चुकी हैं, तो इसका मतलब यह है कि जाहिर बात है छोड़ के जा चुकी हैं, इट्स मीन कि या तो उनके बीच में कोई लड़ाई चल रही है या फिर वो डाइवोर्स देने के चक्करों में, खुला लेने के चक्करों में। तो एनीवेज जो मेन चीज़ है वो यही है कि इमरान खान की 3री शादी भी नहीं रुक पाई, मतलब कि पहले जमाइमा, फिर उसके बाद उनकी जो एक और थी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही उन्होंने तो बुक भी लिखी थी इमरान खान के ऊपर, और अब जो है वो ये फिर नहीं है जिन्होंने पहले तो खुद मैरिड थी, शर्म आनी चाहिए कि पहले मैरिड होने के बाद वो डाइवोर्स लेकर और उसके बाद इमरान खान के साथ शादी की है। तो शादी करने के बाद इमरान खान ने भी एक मैरिड औरत के साथ शादी कर ली, उसको डाइवोर्स दिलवा कर, उसके बड़े बच्चे थे। तो खैर मुझे तो ये लगता है कि अंदर से इनका एक मुआयदा चल रहा था, जो कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, तो इन लोगों के आपस में ही मुआयदे होते हैं जो कि कहते हैं कि ठीक है ये चीज़ हो गई है तो इसको ऐसे करके तो हम लोग ये कर लेंगे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हिडन होती हैं, हमें खुद भी पता नहीं होता। तो एनीवेज मैं यही कहूँगी कि जो गवर्नमेंट अभी जिस चक्रों में चल रही है तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। तो इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट, इमरान खान स्पेशली, अब क्योंकि उनका टाइम है जाने का और उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली, और पीडनी साहिबा को भी पता है कि भाई अब इमरान खान के पास कुछ भी नहीं बचने वाला, कख नहीं बचना है, नेक्स्ट टाइम इसने बनना भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर। तो अब यह है कि अपना पत्ता उठा, अपना कारोबार बिजनेस बंद करो और निकलो यहाँ से। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ायदा तो सारा उठा लिया, फुल फ़ायदा उठाया, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जो हैं उनका भी पूरा सिस्टम कर लिया है, क्योंकि अब इन्होंने उनसे डाइवोर्स लेके इनसे शादी की और अब इनको डाइवोर्स देकर, इनसे खुला लेकर अब वो जाकर अपने एक्स हस्बैंड से भी शादी दोबारा से कर सकती हैं, क्योंकि इस्लाम में बेसिकली ये होता है कि आप जो मैरिड कर लेते हो, शादी एक बार कर लेते हो तो मतलब कि डाइवोर्स ले लिया, तो फिर औरत को जो है अपने उसी हस्बैंड से अगर दोबारा से शादी करनी है तो उसको सबसे पहले मतलब किसी और से शादी करनी पड़ती है, मतलब कि किसी और की वाइफ बनेगी, उसके साथ कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करेगी एंड देन फिर आप दोबारा से अपने एक्स से कर सकते हो दोबारा से शादी, मतलब आप वाजिब होते हो। तो ये एक सज़ा समझो होती है। एनीवेज लेकिन बड़ी बात यह है कि इमरान खान की लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, ना उनकी वाइफ बची हैं, और ये ट्रेंड चलता जा रहा है कि कंटिन्यूसली शादियां होती जा रही हैं। इमरान खान के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान के रास्ते पर चल रहे हैं। अभी रिसेंटली आमिर लियाकत है, उन्होंने भी जो है वो 3री शादी की है और वो इमरान खान ने उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी दी है कि भाई आप मुबारक हो 3री शादी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने जो शादी की है वो 18 साल की बच्ची से शादी की है, जिनके ऑलरेडी इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, मतलब कि उसी 18 साल की बच्ची से भी बड़े बच्चे उनके अपने हैं। और अफसोस की बात यह है कि उन्होंने अपनी बेटी की भी से भी कम उम्र की लड़की से शादी की है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और फिर आगे से कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है। तो खैर किया तो निकाह है ना, तो ठीक है भाई, निकाह किया है, गरीब थी कर लिया उससे निकाह, उन लोगों ने भी सोचा हमारा भी मुस्तकबिल बन जाएगा, पैसे वाला आदमी है, नाम शोहरत है और शादी तो हमने करवानी है, गरीब में किसी गरीब से भी तो करवाएंगे, नौजवान होगा लेकिन गरीब होगा, लेकिन बेहतर यह है कि हम अमीर से करवा देते हैं। तो हो बुढ़ा है लेकिन कोई बात ही चलेगा, पैसा तो आएगा। खैर हमारे यहाँ की सोच इतनी बढ़ चुकी है कि मैं उसमें आपको बताऊं कि यहाँ पर हम लोगों की सोच को चेंज नहीं कर सकते, और बस कहते हैं ना कि बस आजकल का माहौल एंड सोसाइटी ऐसी चल रही है जिसमें अपने मतलब कि हम सिर्फ लोगों को देख रहे हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, और वो कहते हैं ना बाबू भैया पैसे का मामला है, पैसे का और लड़की का, तो यही बात है, पैसा और लड़की बस। तो एनीवेज आपका क्या कहना है ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी है कि इमरान खान के ऊपर अब बहुत सारे ट्विटर्स पे भी ट्वीट्स चल रहे हैं हर जगह पर, तो उनकी तो खैर वाह वाह होती जा रही है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है फर्दर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।